तो यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन है, तो इसके आंसर दूंगा मैं आप सबको। तो तीसरा क्वेश्चन है, मेरा घर कहाँ पे है और मैं कहाँ पे रहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि मैं कौन सा फोन यूज करता हूँ, मेरी ड्रीम बाइक या मेरी फेवरेट बाइक कौन है। तो भाई ये क्वेश्चन मुझसे बहुत से बंदों ने पूछा है कि मेरी GF कौन है। तो गाइज मेरी GF है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज भीमू एंड यू आर वाचिंग भीमू व्लॉग्स। सो गाइज कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जल्दी Q&A वीडियो करने वाला हूँ, तो आज की ये वीडियो Q&A वीडियो रहने वाली है। तो ये रहे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन, तो मैंने पिछले कल भी एक स्टोरी डाली थी और आई होप कि साउंड वगैरह सब कुछ सही हो एंड बैकग्राउंड से जो भी साउंड आ रहा है तो उसको इग्नोर करना। तो हाँ मैं आप लोगों को बता रहा था, मैंने पिछले कल भी स्टोरी लगाई थी कि आप लोगों के जो भी मुझसे क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। तो कुछ क्वेश्चन आया है वो मैंने इस पर लिख लिया है, और अप्रोक्स 1 वीक पहले मैं लाइव आया था इंस्टाग्राम पे, तो उस पर भी मैंने क्वेश्चन पूछे थे। तो यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन है, तो इसके आंसर दूंगा मैं आप सबको। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन ही उठाए हैं, तो मैं उनके आंसर देने वाला हूँ आपके नाम के साथ। तो करता हूँ गाइज इस वीडियो को शुरू। तो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है पारस शर्मा ने, तो इनका क्वेश्चन है मेरी एज से रिलेटेड। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है सपना लामा ने, जो कि पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। इनका क्वेश्चन है कि आपकी एज और आपकी हाइट कितनी है। तो मेरी एज है 21 साल और मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है मेरा घर कहाँ पे है और मैं कहाँ पे रहता हूँ, मतलब मैं कहाँ से हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा है नेहा रावत 4223 ने। यही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है एंटोर्क राइडर ने और सुखविंदर सिंह ने और IM बाजीगर ने। तो भाई मैं हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट के पंडोह में रहता हूँ और पंडोह से हूँ। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। और अगला क्वेश्चन पूछा है तरुण ऑफिशियल 777 ने और इट्स मी नवनीत। तो इनका क्वेश्चन है कि मेरी ड्रीम बाइक या मेरी फेवरेट बाइक कौन है। तो ड्रीम तो अपना यही था कि मेरे पास कोई अपनी बाइक होगी, एक अच्छी सी बाइक। तो ड्रीम तो अपना यही है। अगर आप नेक्स्ट पूछते हो कि अब कौन सा ड्रीम है मेरा, तो भाई मेरी ड्रीम बाइक है कावासाकी निंजा ZX10R। तो ये रही मेरी ड्रीम बाइक। और फेवरेट बाइक तो अभी भाई अपनी बाइक है KTM ड्यूक 200, जो कि अपना बेबी बीस्ट है। ये क्वेश्चन दो बंदों ने पूछा था। अब अगला क्वेश्चन है तरुण ऑफिशियल का, तो इन्होंने पूछा है कि भाई फर्स्ट मीटअप कब रख रहे हो। इसी के साथ मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रयागराज में मीटअप पर कब आओगे। और ये क्वेश्चन पूछा है कुश किंग अप 70। तो इसका आंसर ये है कि भाई अभी जो अपनी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, मुझे नहीं लगता कि मेरी इंस्टा या यूट्यूब फैमिली इतनी है कि मुझे मीटअप रखना चाहिए। बाकी 10K पे देखते हैं, अगर सब्सक्राइबर और आप लोगों का सपोर्ट दिखता है तो जल्दी रखेंगे मीटअप, बाकी अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ, और ये क्वेश्चन पूछा है सुखविंदर सिंह लेजेंड ने। यार भाई ट्रक वालों को क्या बोले, चलो ओ भाई हो गया अब। तो अगला क्वेश्चन है कि मैं कौन सा फोन यूज करता हूँ, और ये क्वेश्चन पूछा है सुखविंदर सिंह लेजेंड ने। तो मैं आईक्यू का फोन यूज करता हूँ, ये वीवो का सब ब्रांड है, आईक्यू करके कंपनी का नाम है और मॉडल है IQ3। तो ये फोन मैं यूज करता हूँ। और अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है राजेश्वर ने, इनका क्वेश्चन है कि मेरा फेवरेट मोटो ब्लॉगर कौन है। तो वो है UK07 राइडर, और उनसे मैं मिला हूँ अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है सुखविंदर सिंह का और बदमाश किंग आदि, और इनका क्वेश्चन है कि GF का नाम और मेरी GF कौन है। तो भाई ये क्वेश्चन मुझसे बहुत से बंदों ने पूछा है कि मेरी GF कौन है। तो गाइज मेरी GF है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइज इसका आंसर ये है कि मेरी कोई GF नहीं है, चीटिंग करता है तू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है तरुण ऑफिशियल 777 ने। तो इनका क्वेश्चन है कि भाई आपने ड्यूक क्यों ली, RC390 क्यों नहीं। मैंने ड्यूक इसलिए ली क्योंकि इसमें पावर आपको अच्छी मिलती है और इसके लुक्स भी बहुत अच्छे हैं। RC390 का ऐसा है कि भाई वो बहुत ही हैवी सीसी की बाइक है और मेरा बजट भी उतना नहीं था कि मैं RC390 ले सकूं, तो इसलिए मैंने ड्यूक 200 ली, जो कि मेरे बजट में भी पहुँच रही थी और मुझे अच्छी भी लगती है, तो इसलिए मैंने ड्यूक 200 ली है। और अगला क्वेश्चन है ट्रिपी आइज का, इन्होंने पूछा है कि ड्यूक कैसी है 2024 में, लेनी चाहिए या नहीं। अगर आप ड्यूक 200 की बात कर रहे हो तो अब हाँ आप ड्यूक 200 ले सकते हो। अब तो भाई मतलब ये अपग्रेड होके आई है, इसमें अब आपको LED हेडलाइट मिलती है, नो डाउट आप ड्यूक 200 ले सकते हो।
बहुत ही आराम से अगर आपका अगर आपके बजट में बैठती है। तो अगला क्वेश्चन है RX2 क्यूट बंदा, तो इनका क्वेश्चन है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेरा ही नाम राशि, हम लोग स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड है, नो डाउट। अभी हम लोग अलग हो गए हैं बट अभी भी बातचीत होती रहती है। तो उसका नाम भी सेम मेरे नाम की तरह है, तो स्कूल में बहुत से बंदे कंफ्यूज भी थे कि मतलब सेम नाम के बंदे और बेस्ट फ्रेंड है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है इट्स मी नवनीत, तो इनका क्वेश्चन है कि भाई आपने अपनी GF को कब प्रपोज किया। तो भाई मेरी कोई GF नहीं है और इसमें प्रपोज करने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता यार, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा है मुझसे सुखविंदर सिंह जी ने। तो इनका क्वेश्चन है कि चैनल मोनेटाइज है क्या। तो हाँ भाई मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्यूट बॉय 2003 का, और इनका क्वेश्चन है कि फैमिली मेंबर कितने हैं मेरी फैमिली में। तो भाई मेरी फैमिली में 4 फैमिली मेंबर है, मैं, मेरी छोटी सिस्टर, मम्मी और पापा। अगला क्वेश्चन है ठाकुर अंकित का, और इनका क्वेश्चन है भाई आप कौन से कैमरे में वीडियो शूट करते हो। जब मैं मोटो व्लॉग करता हूँ तो मैं GoPro से वीडियो शूट करता हूँ, और जब मुझे नॉर्मल व्लॉगिंग करनी हो तो मैं अपने फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ। अगला क्वेश्चन है तरुण ऑफिशियल 777 का, इनका क्वेश्चन है कि मैंने स्टडी कितनी की हुई है। तो भाई मैंने +2 के बाद ITI करी हुई है, बस वही है मेरी स्टडी या मेरी एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है ने अरावत का, और इन्होंने पूछा है कि मेरा ड्रीम क्या है। तो यार मेरा ड्रीम इतना ही है कि मैं लाइफ में अच्छे से सक्सेस हूँ और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करूँ और अपने सपने पूरे करूँ, बस यही है, एक अच्छा आदमी बनने का सपना है। शाबाश। तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है रोहित 4456 ठाकुर ने, तो इनका क्वेश्चन है ब्रदर मैं भी आपके साथ व्लॉग्स करना चाहता हूँ। तो भाई नो डाउट, तो यार एक और ट्रक वाला आ गया। चलो तो फाइनली गाइस ट्रक वाला भी चुप हो गया, चला गया मतलब यार। भाई ये तो पूरी पूरी गाने की ट्यून ही बजा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है रोहित 4456 ठाकुर ने, तो इनका क्वेश्चन है कि ब्रदर मैं भी आपके साथ व्लॉग करना चाहता हूँ। तो भाई आपका ऑलवेज वेलकम है, आप मेरे साथ व्लॉग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है आर के रॉकी 341 ने, तो ये कुल्लू से अपने भाई है एक, तो इनका क्वेश्चन है कि GF के बारे में बताना। तो भाई फिर से GF की बात आएगी, तो GF के बारे में इतना ही बता सकता हूँ कि अभी मेरी कोई GF नहीं है, तो बस इतना ही बता सकता हूँ GF के बारे में। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है इट्स राहुल मंडियाल ने, तो इनका क्वेश्चन है कि भाई आपने अपनी बाइक मॉडिफाई कराई तो कितने पैसे लगे। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, अप्रोक्स जो भी स्टिकर किट लगवाई है तो उस तो उनको कंप्लीट करने में मुझे 5 से 6 हज़ार रुपये लग गए थे। ऑल ओवर मॉडिफिकेशन की बात करूं तो वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इस पे मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, मतलब ऑल ओवर बाइक का पूरा रिव्यू दूंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है उस पे और कितना खर्चा आया, तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। वैसे मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो कि पूछा है इट्स मी योर सैम, तो उन्होंने पूछा है ब्रो कांगड़ा कब आओगे। तो भाई कांगड़ा अभी कोई प्लान नहीं है, बाकी देखते हैं जब भी प्लान होगा तो आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछा है सौरभ 07 ने, तो इनका क्वेश्चन है भाई आपकी एज कितनी है। तो मेरी एज 21 साल है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है व्हाइट रोमियो 01 ने, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ब्रो आप अकेले ही क्यों राइड करते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेले ही राइड करना पसंद करता हूँ, मैं ग्रुप के साथ भी राइड करता हूँ, जैसे कि बल वैली राइडर्स हो गए उनके साथ मैं राइड करता हूँ, और आयुष भाई हो गए, और बहुत से बंदे हैं यार, मैं बहुत से बंदों के साथ राइड करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है विपाशु 510, तो इन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरे को भूल गए हो आप। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को नहीं भूला, आप गलत फहमी में हो। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि मुझसे पूछा है पारथ संधोलिया ने। अगर गाइज मैं किसी का नाम गलत ले रहा हूँ तो सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि भाई आपकी इंस्पिरेशन कौन है जिससे आप ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हो। मोटो व्लॉगिंग का मुझे शौक है, इंस्पिरेशन का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बहुत से बंदे हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं, जैसे कि एक तो मनोज दे हो गए और UK07 राइडर जो कि मेरे फेवरेट मोटो व्लॉगर है, बहुत से बंदे हैं यार जिनसे मैं इंस्पायर होता रहता हूँ। बस लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे और अब वीडियो खत्म। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर दो प्यारा सा। अब चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है सोनी साहब 00 ने, तो इनका क्वेश्चन है ब्रो आप रील्स बहुत अच्छी बनाते हो और ब्लॉग भी, आई एम प्राउड ऑफ यू, बस और कुछ नहीं कहना चाहता ब्रदर, सो थैंक यू सो मच भाई,
कि आप मेरी कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आप मेरे व्लॉग्स भी देखते हो, तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो और सपोर्ट करते रहो। अगला क्वेश्चन पूछा है ऑफिशियल साहिल 88 ने, तो इनका क्वेश्चन है आई हैव फॉलो यू अप टू 2 days, आई सी दैट योर वीडियोस इज वेरी नाइस, सो थैंक यू भाई, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है एंड आपने मुझे फॉलो किया है, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। और अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है आई एम पुनीत 0009 ने, तो इनका क्वेश्चन है भाई यूट्यूब और इंस्टा में वीडियो और रील्स को अपलोड करने का सही तरीका, तो भाई जितना कर जानता हूँ उतना बता सकता हूँ। तो यूट्यूब का ऐसा है कि यूट्यूब पे आपको जो भी वीडियो डालना है उससे रिलेटेड टाइटल और थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में भी आपको टाइटल देना है, अपनी वीडियो से रिलेटेड टैग्स भी देने हैं और हैशटैग भी देने हैं। सही टाइम बताऊं तो यूट्यूब स्टूडियो में यूट्यूब आपको खुद बताता है कि आपको किस टाइम अपनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो शाम के 4 या 5 बजे वीडियो अपलोड करनी चाहिए। सेम चीज़ जो है इंस्टाग्राम की भी है, तो इंस्टाग्राम पे आप सुबह शाम जब मर्जी वीडियो डाल सकते हो। तो बस ये रहेगा इस सारे क्वेश्चन, आई होप आप लोगों के सारे डाउट या सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो ये मेरी पहली Q&A वीडियो थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।